नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है, और जो कि सरकार ने जिस प्रकार से आप आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करा रही है, उस प्रकार से आप लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जैसा कि मैंने आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को कल एक न्यूज़ के माध्यम से हमने बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने पे आंगनबाड़ी सेविकाओं को परेशानी हो रही है, जो कि उत्तरांचल में जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दिया गया है वो बहुत ही घटिया किस्म के मोबाइल दिया गया है। तो आज मैं आप सभी को एक और राज्य का न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर सेविकाओं को पैनासोनिक के मोबाइल दिया गया है, फिर भी वो घटिया क्वालिटी उसमें बताया जा रहा है, और वो सारी सेविकाएँ एक मोबाइल लौटाओ अभियान को शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये जो सेविकाएं दिख रही हैं उनके हाथ में पैनासोनिक का मोबाइल दिख रहा है, यानी कि ये लोग को पैनासोनिक का मोबाइल दिया गया है, और इन मोबाइल में जो पोषण ट्रैकर ऐप में काम कराने को कहा जा रहा है। तो इन सारी सेविकाओं का कहना है कि पोषण ट्रैकर ऐप में काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सारी सेविकाएं मिलकर एक अभियान चला रही है, और उस अभियान में सारी सेविकाएं जो मोबाइल प्रोवाइड कराया गया है उनको वो लोग फिर से वापस सरकार को भेज रही हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि घटिया क्वालिटी का है मोबाइल, यानी कि मोबाइल इतने घटिया क्वालिटी का है जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मोबाइल में लाभार्थी का नाम, वजन, कद, स्तनपान कराने वाली गर्भवती माँ की जानकारी, पौष्टिक आहार का वितरण जैसी जानकारी भरनी होती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की क्षमता काफ़ी कम है, ऐसे में यह काम नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल बहुत ही घटिया क्वालिटी का है और अब इसकी मरम्मती करानी पड़ती है। इसमें मरम्मती कराने में कम से कम 3,000 से लेकर 8,000 तक खर्चे भी हो रहे हैं, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन सेविकाओं को उपलब्ध कराया गया है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे जिसकी वारंटी ख़त्म है, तो वो दुकानदार तो मांगेगा ही कि 3,000-5,000 रुपये हमको दीजिए, हम इसको ठीक करके दे देंगे। तो आंगनबाड़ी सेविकाएँ अब कहाँ से वो फ़ोन ठीक करा पाएंगी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कम क्षमता वाले मोबाइल हैं, जो मोबाइल पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो लोग लौटा रही हैं। महाराष्ट्र के ये न्यूज़ है, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र के कल्याण तुगलका में 199 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से मिले मोबाइल फ़ोन को लौटा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार उन्हें घटिया किस्म के मोबाइल फ़ोन दिए हैं। ये मोबाइल फ़ोन 2019 में महाराष्ट्र सरकार के महिला व बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे गए थे। बताया जा रहा है कि इन मोबाइल फ़ोन की वारंटी 2 साल की थी और मई 2021 में यह वारंटी भी खत्म हो गई है। इस मोबाइल फ़ोन में 2 GB रैम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन फ़ोन के जरिए बड़ी मात्रा में जानकारी अपलोड करनी होती है, जैसे कि हर रोज़ का काम होता है। पोषण ट्रैकर ऐप से बहुत सारी जानकारियां पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करनी होती है, तो ऐसे में जो मोबाइल है वो हीट हो जाता है और हैंग करने लगता है, इसके चलते इन पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आंगनबाड़ी जो महाराष्ट्र के आंगनबाड़ी सेविका है उन्होंने 17 तारीख से जन मोबाइल बदलो अभियान शुरू किया है। तो इस मुहिम में सभी महाराष्ट्र के आंगनबाड़ी सेविकाएँ एकत्रित हैं और वो लोग चाहती हैं कि जो मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लें, अन्यथा कोई नया मोबाइल जो काम करने लायक हो वो उनको दिया जाए। तो जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ये ऐप अब अंग्रेजी में दिया गया है, यानी कि उधर केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप दिया है मगर यह अंग्रेजी में है, ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि इसे मराठी में भी किया जाए। इन सब परेशानियों के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के कार्यालय में मोबाइल लौटा दिया है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि जो भी आदेश मिलेगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि उनको इंग्लिश में सारी पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सभी जानकारी आपको इंग्लिश में भरना होता है,
तो यहाँ की जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं वो चाह रही हैं कि मराठी में जो ऐप है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वहाँ की आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस प्रकार की परेशानी न हो पाए। और जो देखिए अधिकारी कह रहे हैं कि इसका आदेश जो भी आगे मिलेगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।